हेलो एवरीबॉडी, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ टैक्स इवेशन ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिलेटेड टू टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन एक तरीका होता है जिससे आप ये कोशिश करते हो कि आप कम से कम टैक्स पे करो। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो कि आप पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उसे कम से कम किया जा सके। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रियलिटी में सही अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। लोग यही कोशिश करते हैं कि टैक्स को कितना रिड्यूस कर सकें, कितना कम टैक्स पे कर सकें। ऐसा करने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाए कि टैक्स को अवॉइड किया जाए या फिर कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। टैक्स इवेशन में जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंदर हम देखेंगे सेक्शन 275A से लेकर सेक्शन 280 तक। रिमूविंग ऑफ वैल्यूएबल थिंग। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपनी अकाउंट की बुक को छुपाने की कोशिश करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को हाइड करने की कोशिश करता है, जितना पैसा उसके पास होता है उस बात को कंसील करने की कोशिश करता है, अगर उसके पास बुलियन है, जैसे कि बुलियन एज इन कि जो उसके पास, हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको बिस्किट बोलते हैं, कि अगर आपके पास गोल्ड के सिल्वर के इसके बिस्किट्स रखे हुए हैं या फिर आपके पास ब्रिक रखी है इसकी, तो अगर आप उसको कंसील करने की कोशिश करते हो, आपके पास ज्वेलरी है आप उसको कंसील करने की कोशिश करते हो, और जो भी आपको ऑर्डर दिए गए हैं आप उसको कॉन्ट्रीवीन करने की कोशिश करते हो, कि उसके विपरीत जाने की अगर आप कोशिश करते हो, तो ये जो आप कर रहे हो ये एक ऑफेंस है और ये पनिशेबल है। इसके लिए आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 2 साल तक की भी हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको फाइन भी लगाया जाएगा। फेलियर टू अफोर्ड, अपॉर्चुनिटी टू ऑथराइज, ऑफिसर टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एट्सेट्रा। अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफिसर आपसे आपकी अकाउंट्स की बुक को देखने के लिए मांगता है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए मांगता है, और आप उसको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, आप फेल हो जाते हो कि आप उसको बुक्स ढंग से दिखा सको, तो ये जो आपने किया है ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और इसके साथ फाइन भी हो सकता है। रिमूवल, ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट टैक्स रिकवरी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को कंसील करने की कोशिश करता है और अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे रख देता है, मतलब किसी और व्यक्ति को वो अपनी प्रॉपर्टी को सुपुर्द कर देता है, ये सोचकर कि उसको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो अगर वो ऐसा सोचकर अपनी प्रॉपर्टी को कंसील करता है और बाद में ये बात रिवील हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल की, और इसके साथ ही साथ उसको फाइन भी होगा। ऑफेंसेस बाय लिक्विडेटर और रिसीवर। कंपनी जब वाइंडिंग अप के लिए जाती है, मतलब जब कंपनी ख़त्म होने वाली होती है, तो ऐसे टाइम पर जो कंपनी के असेट्स होते हैं या जो भी चीज़ें कंपनी के द्वारा ओन करी जाती है उसको बेचकर जितने भी कंपनी को जहाँ जहाँ पैसे चुकाने हैं उसे चुकाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। ये जो लिक्विडेटर होता है वो कैलकुलेट करता है कि किसी भी कंपनी के पास कितना पैसा है और इसे कितने लोगों को ये पैसा चुकाना है, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा रहता है कंपनी के लोगों में बांट देता है। अब अगर ऐसा होता है कि किसी भी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है और वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने अपॉइंटमेंट के बारे में असेसिंग ऑफिसर वो ऑफिसर जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया गया है उसको बताने में असमर्थ होता है, या फिर अगर ऐसा होता है कि वो कंपनी के असेट्स का बंटवारा कर देता है बिना चीफ कमिश्नर को बताए, चीफ कमिश्नर वो व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स एक्ट में देकर रखा है, अगर वो चीफ कमिश्नर को बिना बताए जो कंपनी के असेट्स हैं उनका बंटवारा कर देता है, तो ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लिक्विडेटर को पनिशमेंट होती है जो कि एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है 2 साल तक का। वायलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 5 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है और ऐसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो कि बताई गई है, ऐसी अथॉरिटी को वो इसकी जो रिपोर्ट होती है, इसका जो स्टेटमेंट होता है, इसे फर्निश करने में असमर्थ होता है, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि वो परचेस करना चाहती है और ऐसी प्रॉपर्टी की पोजीशन देने में असमर्थ होता है, या फिर ऐसा कोई कार्य करता है जो कि उस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने बोला था और उसको नहीं करा, या फिर ऐसा कोई कार्य करता है जो कि उस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने नहीं बोला था और मना किया था करने के लिए, ऐसा कार्य उसने किया, तो ऐसे टाइम पे उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है 2 साल की, और उसके साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी भरना पड़ता है।
फेलियर टू पे टैक्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने इनकम के सोर्स पर टैक्स डिडक्ट नहीं करवाता है, तो ऐसे टाइम पर उसको सज़ा हो सकती है 3 महीने तक की, जो एक्सटेंड भी हो सकती है 7 साल तक, और इसके साथ ही साथ उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि आपको सोर्स पर ही डिडक्ट करवाने होते हैं। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी ऐसी है जो क्या कर रही है कि अपना प्रॉफिट सब में बांट रही है, तो ऐसे टाइम पर उसको अपने सोर्स पर ही डिडक्ट करवाना चाहिए था टैक्स। और अगर वो ऐसे नहीं करती तो वो वही काम कर रही है जो अभी हमने पढ़ा, वो एक ऑफेंस कर रही है। इसी के साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि लॉटरी में, पजल प्राइस में या फिर किसी भी तरह के प्राइस में जीत जाता है, और ऐसे टाइम पर अगर वो जब वो उसको कलेक्ट करता है तो बिल्कुल सोर्स पर ही उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करवाता, मतलब लेते समय अगर वो उसके ऊपर टैक्स को डिडक्ट नहीं करवाता है, तो ऐसे टाइम पर वो एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जिसके अंदर उसको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ ही साथ उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि टैक्स को डिडक्ट नहीं करवाता है उसके सोर्स के ऊपर, और ये जो टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला था, तो अगर वो ये ऑफेंस करता है तो सेक्शन 206C के अंदर करता है। और ऐसे टाइम पर अगर वो ऐसा ऑफेंस कर देता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होती है 3 महीने से लेकर 7 साल तक की, और इसके साथ ही साथ उसे फाइन भी भरना पड़ता है। विलफुल अटैम्प्ट टू इबेट टैक्स। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो कि जान करके ऐसा अटैम्प्ट करता है कि वो टैक्स को इबेट कर सके, या फिर उस पर कोई भी पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट लगाया गया है उसे ना भरे, उसे कैसे भी करके इबेट कर सके, तो ऐसे टाइम पर ये जो उसने ऑफेंस किया है इसकी पनिशमेंट होती है एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, और 6 महीने से फर्दर एक्सटेंड होकर 7 साल तक का भी हो सकता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए फाइन भी भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा इवेजन करता है और जो इवेडेड अमाउंट होती है वो 100,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है, तो ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, जो कि 3 महीने से लेकर 3 साल तक की भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो अमाउंट है वो 100,000 रुपीज़ से कम की होती है, तो ऐसे टाइम पर उसको फ़ाइन पे करना पड़ता है। फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो जान करके फेल हो जाता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, तो ऐसे टाइम पर उसको पनिशमेंट दी जाती है, जो कि एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि 6 महीने से लेकर 7 साल तक का भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। यहाँ पर जो अमाउंट थी अगर वो 100,000 रुपीज़ से कम होती है तो ऐसे टाइम पर उस व्यक्ति को फ़ाइन भरना पड़ता है, पर अगर जो अमाउंट है वो 100,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, क्योंकि 3 महीने से कम की नहीं होती है और जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक। फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन सर्च केसेस। अगर कोई व्यक्ति होता है जिसके ऊपर नोटिस फॉर ब्लॉक असेसमेंट लगाया जाता है और वो ड्यू टाइम के अंदर, मतलब जितना भी टाइम उसको बताया जाता है उस टाइम के अंदर अंदर वो इनकम टैक्स रिटर्न को वहाँ पर एज एन आंसर पेश करने में देरी कर देता है, तो ऐसे टाइम पर उसको पनिशमेंट होती है, जो कि एक इम्प्रिजनमेंट होता है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स और विच कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और इसके साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी भरना पड़ता है। फेलियर टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई व्यक्ति जान करके फेल हो जाता है, अगर उस व्यक्ति को कोई नोटिस दिया जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स या फिर ये अकाउंट्स पेश करने हैं, और ऐसे काम में अगर वो नोटिस आने के बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसे अकाउंट्स को नहीं पेश करता, तो ऐसे टाइम पर उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की। विद डैट उसको 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो कि हर दिन कंटिन्यू होगा जब तक अगर वो व्यक्ति ये अकाउंट्स को या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे गए हैं, जब तक वो लाकर दे नहीं देता ये डॉक्यूमेंट्स को, तब तक हर दिन उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट एंड वेरिफिकेशन। अगर किसी व्यक्ति से उसके अकाउंट्स मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए और वो जान करके गलत अकाउंट्स देता है, जो वो जानता है कि ये अकाउंट्स गलत है, ये अकाउंट्स फॉल्स हैं, उसके बावजूद ऐसा अकाउंट का स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे देता है, तो ऐसे टाइम पर उसको पनिशमेंट होती है, जो कि एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, और ये आगे चलकर एक्सटेंड भी हो सकता है 7 ईयर्स तक। इसके साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है टैक्स इवेड करने में, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी उसको पे करनी थी उसको भी वो इवेड करने में मदद करता है, या फिर बुक्स के अंदर जो उसके अकाउंट की बुक्स होती है उसके अंदर फॉल्स एंट्री करवाने में मदद करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति, जो मदद करने वाला व्यक्ति है, जो कि इनेबल कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट होती है एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 3 मंथ्स तक की हो सकती है, जो कि फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है 3 साल तक, और इसके साथ ही साथ उसे फाइन भी भरना पड़ता है।
अबेटमेंट ऑफ फॉल्स रिटन। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि वो ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे अपने अकाउंट्स में जिससे उसको टैक्स के ऊपर फ़ायदा हो सके, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सज़ा हो सकती है विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। जो अबेटमेंट किया गया है अगर वो ऐसी अमाउंट के लिए किया जाता है जो कि 100 लाख रुपीज से ज़्यादा की है, तो ऐसे टाइम पर जो व्यक्ति है उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है 3 महीने से लेकर 3 साल तक का, और साथ ही साथ उसे फ़ाइन भी भरना पड़ता है। पनिशमेंट फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। हमने इसके पहले एक लिस्ट पढ़ी जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऑफेंसेस देखे और इसके साथ ही साथ देखा कि उसके ऊपर पनिशमेंट क्या दी जाएगी। तो अगर वो ऑफेंस ऐसा है जैसे फेलियर टू अफोर्ड, अपॉर्चुनिटी टू ऑथोराइज ऑफिसर टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट्सेट्रा, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेट टैक्स, फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, फॉल्स स्टेटमेंट एंड वेरिफिकेशन, तो ऐसे टाइम पर अगर आप उसको एक बार पहले ही कर चुके हो और एक और बार ऐसा कार्य करते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, जो कि इवन एक्सटेंड कर सकती है 7 साल तक, और साथ ही साथ आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा ऐसे काम के लिए। अगर जो ऑफेंस है वो किसी कंपनी के द्वारा करा जाता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस टाइम पर जब ये ऑफेंस किया गया था कंपनी का इंचार्ज था, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी थी, जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ऐसे हर व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी। अगर जो ऑफेंस है वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा किया गया है, तो फैमिली का जो भी करता है, दैट मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली, तो ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो जो भी फाइन होगा ऐसे व्यक्ति को पे करना होगा, और जो भी पनिशमेंट होगी ऐसा व्यक्ति लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है टैक्स इवेजन, जिसके अंदर हमने देखा कि टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है। विद दैट हमने सारे ऑफेंसेस देखे और प्रोसिक्यूशन के तरीके देखे जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देके रखे हैं टैक्स इवेजन के लिए।